हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका साड्डा फूड अड्डा में। आज मैं बना रहा हूँ आलू मेथी की सब्जी। तो आइए देखते हैं आलू मेथी की सब्जी बनाने के लिए क्या क्या सामग्री चाहिए। सबसे पहले हमने ये 500 ग्राम मेथी ले ली है। इसको मैंने काट करके धो लिया है, अच्छे से साफ कर लिया है। ये 5 से 6 आलू लिए हैं मैंने, मीडियम साइज के, इनको भी मैंने कट कर लिया है। और एक बड़े साइज का मैंने प्याज लिया है, इसको भी मैंने कट कर लिया है। ये 2 से 3 मैंने हरी मिर्च ली है, इनको भी काट लिया है। और 4 से 5 लहसुन की कलियां हैं, इनको भी मैंने कट कर लिया है। ये लाल मिर्च, साबुत लाल मिर्च है, ये छोंक में हम डालेंगे इसको। ये हल्दी पाउडर ये लिया है मैंने, नमक, ये धनिया पाउडर लिया है, और ये लिया है जीरा, और ये हमने लिया है सरसों का तेल। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गैस ऑन करते हैं। अब हम इस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई को थोड़ा हम गर्म होने देंगे। कढ़ाई हमारी गर्म हो गई है, अब इसमें हम सरसों का तेल डालेंगे। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है, अब इसमें हम आधा चम्मच जीरा डालेंगे। जीरा हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम जो ये लहसुन की कलियां ली थी 4 से 5, और ये 3 साबुत लाल मिर्च, इनको डाल देंगे। और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक चलाएंगे। लहसुन और हमारी लाल मिर्च जो है वो गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, जो हमने प्याज कट करके रखी हुई थी। प्याज को भी हम, अब इसको हम गोल्डन ब्राउन होने तक भूनते रहेंगे प्याज को। प्याज हमारी हल्की गोल्डन ब्राउन हो गई है, अब इसमें जो हमने 3 से 4 हरी मिर्च काट के रखी हुई थी, इनको डाल देंगे। और इसके साथ हम इसको मिला देंगे, मिक्स कर देंगे, जिससे कि हरी मिर्च इसके अंदर थोड़ा भुन जाए। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है, अब इसको हम प्याज को जो है 1 से 1.5 मिनट और भूनेंगे, जिससे जिसका जो प्रॉपर कलर आना चाहिए वो प्रॉपर गोल्डन ब्राउन कलर इस पर आ जाएगा। 1 से 1.5 मिनट के बाद प्याज हमारी गोल्डन ब्राउन हो गई है। और अब जो है, सबसे पहले आप अपनी गैस का जो फ्लेम है वो लो कर दें। और लो करने के बाद अब ये हम इसमें जो हमने मसाले रखे थे, वो मसाले एक एक करके वो मसाले डालेंगे हम इसमें। सबसे पहले ये धनिया पाउडर, ये मैं 1.5 टेबल स्पून डालूंगा धनिया पाउडर की। ये नमक, नमक आप अपने स्वाद के अनुसार जैसा चाहें ऐसा डाल सकते हैं। ये हल्दी पाउडर आधा चम्मच। अब इन जो ये मसाले डाले हैं इनको मैं मिक्स कर लूंगा। और ये मसाले मिक्स करते समय आपकी जो गैस की फ्लेम है वो लो ही रहनी चाहिए, नहीं तो जो ये मसाले हैं वो जल जाएंगे। हमारे जो हमने मसाले डाले थे ये मसाले मिक्स हो गए हैं। अब इसमें हम जो आलू काट करके रखे हुए थे वो आलू हम इसमें डाल देंगे। और इन आलू को जो है हम अपने मसाले के साथ मिक्स कर लेंगे। ये देखिए आलू जो मसाले के साथ मिक्स हो गए हैं। अब जब ये मिक्स हो गए हैं तो, लेकिन गैस जो है वो आप अपनी लो पे ही रखें। अब इनको हम प्लेट से ढक देंगे कुछ 5 से 10 मिनट के लिए। ये प्लेट हमने इस पे ढक दी है, अभी इसको हम 5 से 6 मिनट के लिए ढक देंगे और इसको हम पकने देंगे। 5 से 7 मिनट हो गए हैं, अब हम इसको कढ़ाई का ढक्कन हटा के चेक कर लेते हैं अपने आलू। आलू हमारे हो गए हैं, अब हम इसमें जो हमने मेथी रखी हुई थी काट करके मेथी डाल देंगे।
मेथी हमने डाल दी है, मेथी को हम मिक्स कर देंगे आलू के साथ, अच्छे से मिक्स करना है इसको। मेथी को हमने अच्छे से मिक्स कर दिया आलू के साथ। और एक चीज़ का बहुत ख्याल रखें आप, मेथी में पानी बिल्कुल ना डालें, क्योंकि पानी डालोगे तो ये और ज़्यादा जो है पतली हो जाएगी, क्योंकि मेथी जो है वैसे ही पानी छोड़ देती है। अब इसको हमने मिला दिया अच्छे से, मिला करके आप इसको 10 मिनट के लिए ढककर रख दें, और 10 मिनट तक आप इसको अब मीडियम फ्लेम पर पकाएं। आइए, अब 10 मिनट हो चुके हैं सब्जी को हमारी पकते हुए, सब्जी को हम चेक कर लेते हैं। हम आलू को चेक कर लेंगे एक बार, ये देखिए आलू हमारे 80% हो चुके हैं। ठीक है, अभी हम सब्जी को 10 मिनट के लिए और इसको ढक देंगे और 10 मिनट तक इसको पकाएंगे। ये सब्जी को हमने ढक दिया है। आइए एक बार चेक कर लेते हैं, 10 मिनट हो चुके हैं हमारी सब्जी को, तो चेक कर लेते हैं हमारी सब्जी। दोस्तों हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। और आपको एक बात और बता दूं दोस्तों, अगर जो है आपकी सब्जी में जो आलू हैं वो बाई चांस ना गले, तो आप उसमें हल्का सा छींटा मार सकते हैं पानी का, ज़्यादा नहीं मारना है। अभी हमारी सब्जी ऑलमोस्ट रेडी है, अब इसको हम 3 से 4 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर पकाएंगे, जिससे जो इसके अंदर ये मॉइस्चर है सब्जी के अंदर वो पूरा जल जाए, सब्जी हमारी अच्छे से भुन जाए। क्योंकि सब्जी की, आलू मेथी की जो सब्जी है वो भुनने के बाद उसका टेस्ट अलग ही आता है, बहुत अच्छी लगता है टेस्ट। ये हमें 3 से 4 मिनट हो गए हैं इस सब्जी को भूनते हुए, अब हमारी सब्जी बनकर तैयार हो गई है। आलू मेथी की रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और बढ़िया रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।